हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ो लिखो कंप्यूटर साइंस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे मेन्यू इस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेन्यू को क्रिएट करने के क्या ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है जी, उसका नाम है टेक्स। तो ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो पिछले वीडियो में। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले रिसोर्स क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्राइवर फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन्यू और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मेन्यू। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं हमारे पास मेन्यू जो है यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद हमने मेन्यू, तो यहाँ पे मेन्यू को देना है, मैं लिख लेता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है जी, मेन मेन्यू मैंने लिख लिया। तो इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आपके पास एक मेन्यू जो है लिस्ट शुरू हो। तो यहाँ से मैंने मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लगाना। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से एक आइडिया साइन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट आइडिया, उसकी अबाउट एटम नेम है अबाउट। ठीक है जी, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और आइटम को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक, कोई भी रैंडमली नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ लिंक। तो चले मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ मेन्यू लिंक। ठीक है जी, तो इसके बाद मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ मेन्यू लिंक। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे जितने मर्जी जो है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है अबाउट। ठीक है जी, तो ये दो मैंने मेन्यू लिए हैं। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से पकड़ के ड्रा करे जाएं तो उतने ही मेन्यू जो है यहाँ पे लगे जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी इस वीडियो में दो ही यूज़ करूँगा। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने आना मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है जी। तो उसका नाम है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। ठीक है जी, ये ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। तो इससे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमें इन्फिल्टर, हमें पहले रिक्वायर है इन्फिलेटर। ठीक है जी, इन्फिलेटर्स। इसके बाद हमें लेना है मेन्यू इन्फिलेटर लेना है, सॉरी डेट, हमें लेना है मेन्यू इन्फिलेटर्स डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट, हमारी लेआउट का नेम क्या है। तो हमने यहाँ से लेआउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा है मेन्यू। तो मैं सेलेक्ट करूँगा मेन्यू डॉट मेन मेन्यू। ठीक है जी, तो इसके बाद सेकंड पैरामीटर है फिर मेन्यू। ठीक है जी, तो ये वाला मेन्यू की मदद से हम इस मेन्यू की मदद से हम यहाँ पे मेन्यू जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है ट्रू, रिटर्न ट्रू। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया ट्रू। तो ये थी, तो इसके बाद हमने ऑन सेलेक्ट मेन्यू पे हमने क्लिक करना है। तो उसके अगेंस्ट हमने कोई, तो मैं ऐप को रन करता हूँ। तो ऐप को रन करके देखते हैं कि अब क्या हमारे पास आता। तो जितनी देर में ऐप रन होती है तो हमारी ऐप जो है इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हमने लिखा था अबाउट और उसके साथ हमने लिखा था लिंक। तो अब हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्शन जो है अब परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने से एक सेकेंड ऑप्शन लेना है ऑन ऑप्शन सेलेक्ट, ऑन ऑप्शन सेलेक्ट। ठीक है जी, तो इसको लिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ऑन सेलेक्ट मेन्यू, सॉरी, ये हमारे पास सेकेंड वाला ही आ गया। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाना है। तो इसको मैं दोबारा से
चेक करता हूँ तो ऑन सेलेक्ट मेन्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू आ चुका है, तो यहाँ पे हम व्हेन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ एटम, ठीक है जी, जो ये एटम है, ठीक है। अब इस एटम की हमने आईडी को एक्सेस करना है, डॉट आईडी एटम आईडी। तो इसके बाद यहाँ पे मैं करी प्रैक्टिस लगाऊंगा, तो यहाँ पे नल आप आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। जबकि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम नल को हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे नल जो है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा केस है आर डॉट आई डी डॉट मेन्यू अबाउट, ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने इसका साइन और एरर, तो यहाँ पे मैं टोस्ट प्रिंट कराऊँगा, एक टोस्ट डॉट मेक डॉट मेक। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कांस्टेंट देना, इसके बाद कोलन और यहाँ पे लिख मैसेज प्रिंट कराना, क्लिक्ड अबाउट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अगेन टोस्ट लिखना है, डॉट लॉन्ग लिखना है, उसके बाद लॉन्ग एंड शो करना, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने फिर करना है और डॉट आई डी डॉट और डॉट आई डी डॉट मेन्यू लिंक, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने मेन्यू लिंक जो है प्रिंट करा देना, तो इसके बाद हमने यहाँ पे जो है फिर टोस्ट प्रिंट करानी है, तो इसके लिए लिखूँगा टोस्ट मेक टोस्ट सबसे पहले, तो एप्लीकेशन कांस्टेंट कॉलन, उसके बाद टैच्ड लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है टैच लिंक, तो इसके बाद फिर टोस्ट प्रिंट करानी है हमने, टोस्ट डॉट लॉन्ग डॉट डॉट सो। तो इसके बाद अब हमने एल्स, हमारे पास दो ही मेन्यू हैं, तो इसके लिए हमने जो है दो मेन्यू लिए। अगर आपके पास ज़्यादा मेन्यू है तो आपने इसी लाइन को इजीली कॉपी करना है, तो यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से आईडी चेंज कर लें, तो वो आपके मेन्यू। और इस यहाँ पे आपने टोस की जगह जो भी परफॉर्म्स एक्शन परफॉर्म कराना वो आप करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न, तो यहाँ पे मैं इसके बाद बाहर आने के बाद, ठीक है जी, यहाँ तो मैं रिटर्न करा दूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा ऑन रिटर्न सुपर मेन्यू को, तो यहाँ पे पेस्ट करके अनकमेंट कर दूँगा। तो जैसे ही हमने मैंने इसको अनकमेंट किया तो हमारा एरर्स जो है वो चला गया, ठीक है जी। तो ये था, तो अब हमें इसको रन करके देखता हूँ। ऐप को मैंने रन कर दिया, चेंजिंग अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे मैं मेन्यू पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टच्ड ऑन अबाउट, ठीक है, टच अबाउट। तो इसके साथ ही लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो टच लिंक्ड। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।